हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सर्दी के कारण जो तुलसी सूख चुकी हैं उनको फिर से हम हरा भरा कैसे कर सकते हैं। ये हमारी तुलसी जो है पूरी तरह से नहीं सूखी है, तो आप देख सकते हैं अगर आपकी तुलसी पूरी तरह से सूख चुकी है और उनकी सारी पत्तियां झड़ चुकी हैं, तो उसे आप इस तरह से चेक करके देख सकते हैं कि अभी आपकी तुलसी हरी है या सूख चुकी है। इस तरह से आप अपनी तुलसी की जो स्टेम है उसको इस तरह से इसकी स्किन को हटाकर इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आपकी तुलसी की स्टेम जो है वो ग्रीन है अंदर निकल, अगर अंदर ग्रीन है इस तरह से, तो आपकी तुलसी अभी सूखी नहीं है। तो आप उस तुलसी को किस तरह से फिर से हरा भरा बना सकते हैं, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। तुलसी में जो सूखी हुई स्टेम है सबसे पहले उनकी कटिंग कर दें। इस तरह से। और अगर आपकी तुलसी की हाइट बहुत ज़्यादा है तो इसकी हाइट थोड़ी कम कर दें, इससे आपकी जो तुलसी है वो बहुत ही घनी हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसकी थोड़ी सी हाइट कम कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने अपने तुलसी के प्लांट की कटिंग कर दी है, सारी स्टेम हमने इतनी छोटी छोटी कर दी है। तो इसमें हम और आपकी अगर तुलसी में जब मंजरी आए, ये जो फूल होता है इसे मंजरी बोलते हैं, अगर ये आपके तुलसी में ये मंजरी है तो इसको आप हटाते रहें। अगर इसको आप नहीं हटाते हैं और ये फूल जो होता है जो सूख जाता है, तो उसके साथ साथ हमारी जो तुलसी है वो भी सूखने लगती है। तो ये जो मंजरी यानी कि जो फूल होते हैं इसको आप ज़रूर हटाते रहें। तो अब इसकी हमने जब कटिंग कर दी है तो आप देखेंगे कि हमारा जो प्लांट है 15 से 20 दिन में ही बहुत ही घना हो जाएगा। तो अब हम कर लेते हैं अपने मिट्टी की गुड़ाई। तो थोड़ी मिट्टी हम ऊपर की जो है इसको हटा देंगे और इसमें हम थोड़ा डालेंगे खाद। इसकी जड़ें नहीं खुलें, इस तरह से हम धीरे से सावधानी से मिट्टी को हटा लेंगे साइड से। साइड की ही मिट्टी हमें हटानी है। ये जो पतली पतली सी रूट्स हैं ये आप देख रहे हैं, इनको भी हम काट कर हटा देंगे। इस तरह से इनको काट कर हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं जो जमी हुई मिट्टी थी उसको हमने एकदम सॉफ्ट कर दिया है खुरपी की मदद से। इस तरह से हमें इस समय रिपॉट नहीं करना है तुलसी के प्लांट को। अगर आपको रिपॉट करना है तो आप बरसात के मौसम में इसको रिपॉट कर सकते हैं। तो इसमें अब हम डाल देंगे ये जो तुलसी के पत्ते अभी हमने कटिंग किए हैं ये वही हैं, तो इनको भी हम डाल देंगे इसी में। ये बहुत ही अच्छी माने जाते हैं खाद के लिए। और इसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा एलोवेरा। अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है तो आप इसमें सब्जियों के छिलके भी डाल सकते हैं इस तरह से काट कर। तो इसमें अब हमने डाल दिए हैं जो सब हमारे पास जो एलोवेरा था वो डाल दिया है, और इसमें हमने जो तुलसी के पत्ते निकले थे वो भी डाल दिए हैं। अगर आपके पास सब्जियों के छिलके हैं तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। जो तुलसी के लिए मिट्टी हम लोग बनाते हैं वो रेतीली मिट्टी होनी चाहिए, आधी रेत हो और आधी मिट्टी हो। अगर रेत, अगर आपके पास चावल का जो छिलका होता है वो अगर आपके पास है तो वो भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। और पानी भी बहुत कम डालें इसमें, ओवर वाटरिंग नहीं करें। ओवर वाटरिंग से भी हमारी तुलसी जो है वो सूख जाती है, तो ओवर वाटरिंग ना करें। आप चाहते हैं कि आपका जो तुलसी का प्लांट है वो हमेशा हरा भरा रहे और हेल्दी रहे, तो इसके लिए आप हर महीने इसकी गुड़ाई ज़रूर करते रहें और इसमें आप डालते रहें हर महीने। ये हमने लिया आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर है, ये आधा चम्मच चूना, बुझा हुआ चूना है ये, और आधा चम्मच हमने लिया है ये हल्दी पाउडर। इसे आप हर महीने इस तरह से मिक्स करके अपने तुलसी के प्लांट में देते रहेंगे तो आपका प्लांट बहुत ही हेल्दी रहेगा। इस तरह से डाल दें, उसके ऊपर डाल दें थोड़ी हल्की सी मिट्टी। मिट्टी से इसको इस तरह से कवर कर दें। अब इसमें डालें आप पानी, पानी बहुत ज़्यादा ना भरें, बहुत ज़्यादा पानी भरने से भी हमारी जो तुलसी हैं वो सूख जाती हैं।
कुछ लोग तुलसी जी में दूध चढ़ाते हैं, तो दूध जो है वो आप 4-5 बूंद से ज़्यादा ना लें और पानी में मिक्स करके ही चढ़ाएं, तो इससे आपकी जो तुलसी है वो हेल्दी रहेंगी। और महीने में एक बार ही कच्चे दूध का उपयोग करें। तो आपको हमारा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं एक यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।